सर्दी के मौसम में जब भी छोटे बच्चे को नाक बंद होता है, ज़्यादा सर्दी होती है, रात को वो सो नहीं पाता है, तो अक्सर हम नाक में ड्रॉप्स डालते हैं नाक खुलने के लिए, सर्दी कम करने के लिए। बट क्या आपको पता है कि नाक में डालने वाले ड्रॉप्स भी कहीं अलग अलग तरह के आते हैं? इसमें से कुछ ड्रॉप्स ऐसे हैं जो आप नए जन्मे हुए बच्चे को भी डाल सकते हैं, बट कुछ ड्रॉप ऐसे हैं जो बच्चों में बार बार नहीं डालने चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कौन से ड्रॉप डालने चाहिए, कौन से ड्रॉप बार बार नहीं डालने चाहिए, कौन से ड्रॉप किस बच्चे को कब डालने चाहिए, अगर आपको इसके बारे में जानना है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, तो आप सही जगह पे आए हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि छोटे बच्चों को नाक खोलने के लिए जब सर्दी ज़्यादा होती है तो कौन से ड्रॉप डालने चाहिए, किस तरह से डालने चाहिए, कौन से ड्रॉप में ध्यान रखना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मनहर गोस्वामी, पीडियाट्रिशियन और आपका बच्चों का डॉक्टर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए। कई बार आप अपने आप से ही मेडिकल से नेजल ड्रॉप लेके आते हैं, कई बार आपके पीडियाट्रिशियन आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो वो आपके बच्चे की एज के हिसाब से, उसकी तकलीफ के हिसाब से वो सही नेजल ड्रॉप आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप ही मेडिकल स्टोर से नेजल ड्रॉप लेके आते हैं, तो उसमें कई बार दिक्कत होती है कि वो नेजल ड्रॉप कई बार आपके बच्चों के लिए सही नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सा नेजल ड्रॉप किस बच्चे को कब डालना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, जस्ट न्यूबॉर्न है, जस्ट बॉर्न हुआ है, बहुत ही छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों में नाक जल्दी से बंद रहता है, क्योंकि जब पहली सर्दी होती है, ठंडी का मौसम होता है, तो नाक के अंदर जो सिक्रीशन बनता है, जो पानी बनता है, वो वहाँ पे जमा रहता है, ना तो बच्चा वो अंदर ले पाता है, ना वो बाहर निकल पाता है। इसकी वजह से बार बार नाक बंद रहता है, नाक बंद रहता है तो नाक से आवाज़ें आती है, और नाक बंद होने की वजह से बच्चा अच्छी तरीके से फीडिंग भी नहीं ले पाता, दूध भी नहीं ले पाता, क्योंकि जब बच्चा होता है उसको मम्मी का दूध पीने के लिए मुंह बंद करना पड़ता है, नाक बंद की वजह से सांस में दिक्कत होती है, तो बच्चा सांस कैसे लेगा, उसकी वजह से बच्चा दूध पीना भी छोड़ देता है और रोने लगता है। इस कंडीशन में आपको बच्चे को नाक साफ अच्छी तरीके से बार बार रखना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे बच्चों में जो नया जन्मा हुआ बच्चा है, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, इस बच्चों में हमको नेजल ड्रॉप डालने में बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमको नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप ही यूज़ करना है। मार्केट में कई तरह के नेजल ड्रॉप अवेलेबल होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होता है नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप। ये नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप क्या है? ये है अपना नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप। तो ये जो नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप्स होता है उसमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन मतलब अगर हम हमारी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नमक वाला पानी। बट ये जो नमक वाला पानी होता है बहुत ही स्पीसाइज तरीके से बनाया हुआ होता है, इसमें 0.075% NaCl यानी कि नमक वाला पानी होता है। अगर हम घर में नमक वाला पानी बनाएंगे तो कई बार वो ज़्यादा या कम सांद्रता वाला बन सकता है, अगर ज़्यादा नमक पड़ गया तो उसकी वजह से फिर नाक में जलन होने लगती है। तो इसीलिए हमको मेडिकेटेड नॉर्मल सलाइन ही यूज़ करना चाहिए। ये जो ड्रॉप है ये बिल्कुल मेडिकेशन फ्री है, इसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसका काम सिर्फ यही है कि जो नाक के अंदर जो सिक्रीशन जमा होता है, नाक के अंदर जो भी बलगम सिक्रीशन जमा होता है, अगर आप नाक में ड्रॉप डालोगे तो वो अपने साथ पूरा वो सिक्रीशन अंदर चला जाएगा, तो इसकी वजह से नाक खुला रहेगा, नाक बंद नहीं होगा और छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूबॉर्न छोटे बच्चों में, 6 महीने से छोटे बच्चों में हमेशा आपको नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप ही यूज़ करना है। जब भी आप नेजल ड्रॉप ले तो उसमें देख लीजिए, उसमें नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप लिखा होना चाहिए, 0.75% नॉर्मल सलाइन नेजल ड्रॉप होता है। इसको डालने का तरीका क्या है? नॉर्मली ऐसा लिखा होता है कि इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो और एज अ ड्रॉप भी डाल सकते हैं, बट नए छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न्स में स्प्रे करना इजी नहीं होता है, इसमें आपको ड्रॉप ही डालना पड़ेगा। तो बच्चे को अच्छी तरीके से लिटा के उसका सिर थोड़ा सा ऊंचा करिए और इसमें से नाक के अंदर 2 से 3 बूंदें डालना है, हर नाक में 2 से 3 बूंदें डालना है। देखिए, अगर मान लीजिए कि
कई बार जब नेजल ड्रॉप डालते हैं तो बच्चा हिलता है, रोता है, तो कई बार दो की बदले चार या पांच बूंद भी चली जाती है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, इसमें सिंपल नेजल ड्रॉप है। तो जैसे ही आप नेजल ड्रॉप डालोगे, उसकी जो पूरा सिक्रेशन हो नीचे गले से नीचे उतर जाएगा, पेट में चला जाएगा, ताकि नाक साफ हो जाएगा। तो ये नेजल ड्रॉप आप दिन में कितनी बार डाल सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं है, आप दिन में चाहे कितनी भी बार डाल सकते हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा सर्दी रहती है, बार बार नाक बंद रहता है, ज़्यादा ठंडी वाला मौसम है, तो आप इसको दिन में चार पाँच छः बार भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो खास करके रात को और सुबह दो टाइम इसको नाक में डाल के नाक साफ रखना चाहिए। ये नॉर्मल साले नेजल ड्रॉप है, आप इसको कितनी भी बार कभी भी डाल सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के नेजल ड्रॉप, जो है दवाई वाले। कुछ ऐसे नेजल ड्रॉप आते हैं जिसमें दवाई होती है, जो ऐसे एडवर्टाइज भी करते हैं कि इसको डालने से आपको आधे मिनट में एक मिनट में ही नाक खुल जाएगा और प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी। ये बिल्कुल बात सही है, ये नेजल ड्रॉप तुरंत काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, तो इसको कब और कहाँ और किस बच्चों में यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे जो थोड़े 6-7 महीने से बड़े होते हैं, जिसको सर्दी की वजह से ज़्यादा नाक बंद होने की दिक्कत होती है, रात को सो नहीं पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इस बच्चों में डॉक्टर आपको मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बच्चों के लिए है, पीडियाट्रिक के लिए है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी 0.05%। अगर ये एडल्ट या बड़ों के लिए है तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 0.1%। तो अगर आप मेडिकल से कोई भी ऐसे नेजल ड्रॉप खरीद रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि उसमें ज़ाइलोमेटाजोलिन लिखा होगा और उसकी कंसंट्रेशन 0.05% होनी चाहिए। अगर आप ये बड़ों के लिए ले रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन 0.1% होगी। तो ये दवाई किस बच्चों में डाल सकते हैं, 6 महीने से ऊपर के कोई भी बच्चों में आप डाल सकते हैं, बट जिसको ज़्यादा सर्दी हो, ज़्यादा नाक बंद हो रहा है, नॉर्मल सलाइन आप ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तभी आपको नेजल ड्रॉप डालने हैं। बट ध्यान रखिए कि ये नेजल ड्रॉप कुछ दिन तक ही आप डाल सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो दिन में 1, 2 या 3 बार भी डाल सकते हैं, पर नॉर्मल इसकी इफ़ेक्ट 6-8 घंटे तक, 12 घंटे तक रहती है। इसको मैक्सिमम आप 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ मत करिए। अगर ये नेजल ड्रॉप 1 हफ्ते से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो इससे फिर साइड इफ़ेक्ट या इसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। तो खास ध्यान रखना है, जब भी आपको मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। या तो आप अपने डॉक्टर को एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपको इसको मैक्सिमम कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ मत करिए। 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते, उससे ज़्यादा मत करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 महीने के बाद वापस ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कंटिन्यू 1 हफ्ते से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, नॉर्मली ये क्या करता है, अपनी जो नाक के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको छोटा करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, उसकी वजह से जो सिक्रीशन बनता है वो कम हो जाता है। अगर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे तो फिर वहाँ पे ड्राइनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर आप इसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो और ड्राइनेस बढ़ेगी और आपको इसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, तो इससे डिपेंडेंसी और इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। तो खास करके छोटे बच्चों में आप इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ मत करिए, या तो अपनी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही यूज़ करिए। जब भी ये मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप हम बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं, तब मदर की ये कंप्लेन होती है कि जब भी ये ड्रॉप डालते हैं तो बच्चे बहुत रोते हैं और नेजल ड्रॉप डालने नहीं देते हैं। और जब हमने भी ट्राई किया तो आपको गले में थोड़ा कड़वा कड़वा लगता है, तो ये क्या नॉर्मल है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। ये जो दवाई है उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा बिटर होता है, तो जब भी आप ये नेजल ड्रॉप नाक में डालोगे तो तुरंत ही नाक में जाके गले में उतरेगा, तो गले में आपको थोड़ा कड़वा बिटर टेस्ट आएगा, उसकी वजह से शायद बच्चों को ये टेस्ट पसंद ना आए, उसकी वजह से बच्चे रोते हैं। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ये 1 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं, अगर आप लिमिटेड यूज़ करोगे तो। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, नाक बंद होता है, बार बार बलगम आते हैं, तो एक सक्शन बल्ब अवेलेबल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक तरह का नेजल सक्शन बल्ब है। जब छोटा कोई बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो पहले आपको उसको नाक में नेजल ड्रॉप डालना है, उसके बाद ये सक्शन बल्ब से उसको सक करना है। जैसे कि आप इस वीडियो में और पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो नेजल बल्ब है इसको सक करने से जो भी अंदर सिक्रेशन बना होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये जो नेजल सक्शन बल्ब है ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं ऑनलाइन।
उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। जो भी ऐसे छोटे बच्चों हैं जिसको सर्दी खांसी की दिक्कत ज़्यादा है, बार बार नाक बंद होता है सर्दी के मौसम में, तो नेजल ड्रॉप से भी ठीक नहीं होता है, तो उसमें आपको नाक साफ़ करने की भी ज़रूरत होती है। याद रखिए, ये सक्शन बल्ब बहुत ही हल्के हाथ से यूज़ करना है, ज़्यादा डीप अंदर नहीं जाने देना है। अगर ज़्यादा अंदर जाएंगे तो इसके ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना आपको पसंद है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके मन में भी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप जानना चाहते हैं उसको कैसे यूज़ करना है बच्चों में, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। नमस्कार।